कोरोना वायरस को लेकर सरकार की सजगता के चलते मंगलवार को इंद्री के सरकारी हॉस्पिटल में 42 संदिग्ध लोगों को कोरोना के सैंपल लिए गए। पुलिस कर्मचारी, बैंक कर्मचारी और कोरोना के संदिग्ध लक्षण वाले लोगों के सैंपल लिए गए। गांव गीड़ के कोरोना पॉजिटिव युवक सुरेश कुमार के परिवार के 11 लोगों के भी सैंपल लिए गए। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की विशेष एम्बुलेंस इंद्री पहुंची। डॉक्टर पंकज काम्बोज के नेतृत्व में संदिग्ध लोगों के कोरोना के सैंपल लेने की कार्रवाई शुरू की गई। सैंपल लेने से पूर्व लोगों की सभी औपचारिकताएं पूरी की गई। ये आज अभी हमने 42 सैंपल लिए हैं, जिसमें हमारे एक तो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वाले हैं, जिनके कॉन्टैक्ट में आए हैं। एक सुरेश नाम से व्यक्ति था, वो कोरोना पॉजिटिव मिला था हमें। उसके कॉन्टैक्ट में 10 जो व्यक्ति हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, वो गीड़ गांव से हमने सबसे पहले तो उनको उनके टेस्ट हुए हैं। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ बैंक के हमारे कर्मचारी थे, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ की ट्रैवल हिस्ट्री है जो बाहर से आए हैं, उनको भी हमने वो किया। तो टोटल 42 सैंपल्स इस तरह से लिए, इंक्लूडिंग ट्रैवल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री एंड ऑफ सिम्टम्स लाइक फ्लू लाइक सिम्टम्स जिनको हैं, वो हमने आज सबके सैम्पलिंग की। रिपोर्ट हमारे पास कल सुबह आ जाएगी, तो उसके बाद जैसे भी जो भी रिपोर्ट आएगी, इस तरह से जो भी कार्रवाई होगी बनती होगी वो। देखिए, मैं सभी इंद्री की सारी जनता से और इंक्लूडिंग आसपास के और लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाएं। आपको अगर कहीं से भी आप ट्रैवल करके आए हैं, आप साथ के साथ प्रशासन को सूचित करें, कोशिश करें कि पहले टेस्ट कराएं और टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही अपने घर पर जाएं। क्योंकि काफ़ी आपने केसेस देखे होंगे कि वो घर जाते हैं, फिर बाद में टेस्ट कराते हैं, उसके कारण जो उनके घर वाले हैं, अगर वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो घर वालों को भी दिक्कत होती है, क्योंकि हमें तो प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना पड़ता है। उस तरह फिर कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ता है, आसपास के जो व्यक्ति हैं जिनके कॉन्टैक्ट में वो आते हैं उनको भी खतरा बढ़ जाता है, परिवार, बच्चे, बूढ़े जो भी हैं घर में, माँ बाप हैं या बच्चे हैं, उनका भी खतरा बढ़ जाता है, तो बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि जैसे भी हो आप आएँ, एकदम से सबसे पहले टेस्ट कराएं, टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही अपने घर की तरफ जाएं। आगे कब लगेगा? अभी तक जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 28 तारीख का है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, अभी मैं SMO सर से बात करके कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा जल्दी हो, 7-8 दिन के अंतराल पे होना मेरे हिसाब से वो है, तो अभी कोशिश चल रही है। अभी तक जो हमारे पास रोस्टर आया है उसके हिसाब से 28 तारीख को, जो संडे आएगा 28 जून का, उस दिन होने हैं सर।